हेलो गाइस, तो फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एक्स वाई जेड वीडियो में। किसमें तो ईपीएफ अकाउंट में जो कंपनी होती है उसमें डेट ऑफ एग्जिट को कैसे जोड़ते हैं। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ईपीएफओ, इस तरह से हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे हिसाब से इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हम ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। वहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा वेबसाइट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लेम, ऑनलाइन क्लेम मेंबर, ठीक है, अकाउंट, इस तरह से इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो यूएएन नंबर है, यूएएन नंबर और पासवर्ड है, वो यहाँ पे हम डाल लेंगे। ओके, अब चेकआउट को यहाँ पे डालेंगे, साइन इन पे क्लिक कर देंगे, ओटीपी रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे डाल लेते हैं और फिलअप कर लेते हैं सब पूरी जानकारी। यहाँ पर जो कैप्चा कोड है, यहाँ पे हम वो कैप्चा कोड को भी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ठीक है, और सबमिट के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप सबको जब पता होगा दोस्तों कि जब तक ईपीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट जब नहीं होती है, तब तक हम किसी भी कंपनी का जो पैसा है वो नहीं निकाल पाते हैं, ना ही हम किसी कंपनी में प्रीवियस कंपनी से प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एग्जिट डेट की ज़रूरत होती है। एग्जिट डेट, जब एग्जिट डेट हमारे पास यानी कंपनी में जुड़ जाती है, यानी कि हमने इस समय ये काम छोड़ा है, तो इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेटर के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा संपूर्ण जानकारी। यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से जो कंपनी जिसनी भी मेंबर आईडी है वो हमारे सामने इस तरह से शो हो जाएगी, और जो कंपनी है जिस कंपनी में हमने काम किया है वो हमारे सामने इस तरह से दिख जाएगी। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट भी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेट ऑफ एग्जिट नहीं होगी जिस कंपनी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट अवेलेबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दो कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा है। ठीक है, और ऊपर की कंपनी में आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिट यानी है। ठीक है, तो अब डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सबको पता होगा डेट ऑफ एग्जिट जब डालते हैं अपन, जब हम किसी कंपनी को छोड़ के आते हैं, यानी जो कंपनी को छोड़ देते तब हम डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए यहाँ पे मैनेज के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैनेज के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख रहा हूँ मार्क एग्जिट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे मार्क एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी एक कंपनी में जो कंपनी है उसकी डेट ऑफ एग्जिट चेंज की थी, तो वो अलग है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट मेंबर आईडी, तो एम्प्लॉयमेंट के यहाँ पे जो मेंबर आईडी है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिस मेंबर आईडी में हमको डेट ऑफ एग्जिट डालने हैं, हम जिस कंपनी को छोड़ के आए हैं, किस समय छोड़े हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए तो यहाँ पे हम किसी भी कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे सामने दो आ रही हैं अभी, ठीक है, दो में पहले से है, तो यहाँ पे अब इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पे मुख्य बात समझने वाली ये बात यही है, यहाँ पे आपको ये भी चल जाएगा पता कि आपने किस महीने में आपने काम छोड़ा है। मात्र आपको यहाँ पर तारीख भरने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो महीने का लास्ट तारीख होता है, जिस महीने में आपने काम किया वो जिस महीने को छोड़ा है उसकी लास्ट महीने की जो लास्ट महीने की तारीख, उस तारीख को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन अक्टूबर 2023। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, तो एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन अक्टूबर 2023, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रही है अक्टूबर 2023 दिखा रहा है, यानी अक्टूबर 2023 में आपने जो काम छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अक्टूबर 2023 में जो काम छोड़ा है तो उसी अक्टूबर जो महीना होता है उसकी लास्ट तारीख को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अक्टूबर 2023, यानी आपने अक्टूबर 2023 को आपने काम छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो डेट ऑफ एग्जिट है यहाँ पे आपने सेलेक्ट करेंगे, जो लास्ट महीने की जो लास्ट तारीख हो, अक्टूबर महीने की जो लास्ट तारीख हो, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट ऑफ एग्जिट, यानी फिर से हम यहाँ पे जो लास्ट तारीख है अक्टूबर महीने की वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे, रीजन यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट सर्विस यानी अदर्स रीजन, तो यहाँ पे यानी अदर्स रीजन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे और रिक्वेस्ट ओसीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस पर हम टिक कर देते हैं, और यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे आपको पढ़ भी लेना है। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे हम आप क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है, तो रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे यस कर देना है, यू हैव रेडी टू पॉइंट केयरफुली। ठीक है, इस तरह से आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी यस कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से एस पे एस जैसे ओटीपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लीज़ वेट कर लेते हैं, तो ओटीपी सेंड हो रहा है, इस तरह से हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं ओटीपी जब तक सेंड हो जाता है। ठीक है, तो ओटीपी जो है
वो इस तरह से पहुंच चुका है। और हम जो ओटीपी यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं, और ओटीपी फिल करने के बाद इस तरह से आपको जो ओटीपी है वो इस तरह से फिल कर लेना है। और अगर ओटीपी नहीं जाता रिसेंट दोबारा भी सेंड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी डाल लेते हैं जो पहुँच चुका है, और यहाँ पे इस पर टिक कर देंगे आई हैव रेडी टू बिलो पॉइंट केयरफुली, और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दिख रहा हो यू आर सो यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, यानी एस पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ओके पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो डेट है वो एग्जिट हो चुकी है, यानी आप देख भी सकते हैं यहाँ पे अभी अभी जो कंपनी हमने ली थी उस कंपनी की जो डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2023 यानी हो चुकी है। अब दोस्तों समझने वाली बात यही है कि आपकी जो लास्ट तारीख होती है जिस महीने में आपने काम छोड़ा है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वो दिख जाता है सब कुछ दिखा। अब यहाँ दूसरी कंपनी का भी जोड़ना चाहते हैं तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो समझने वाली बात यही है मुख्य बात कि आप जिस भी कंपनी को ऐड करते हैं उस कंपनी का आपको जो जिस महीने में आपने काम छोड़ा है वो महीना आ जाता है, बस उसकी केवल लास्ट तारीख जो महीने की लास्ट तारीख होती है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, और बस ओटीपी डालने के बाद इस तरह से सबमिट कर देना तो आपकी डेट ऑफ एग्जिट है।